नमस्कार, मैं हूँ नन्ही। नमस्कार, मैं वंदे हूँ। कैसे हैं आप सब? हम बिल्कुल ठीक हैं और आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। स्वागत करते हैं आपका हमारे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जम्मू और कश्मीर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय है ग्राम पंचायत व्यवस्था। आज तुम बहुत खुश हो नन्ही, क्या बात है? खुशी ही की तो बात है, मेरे पिताजी पंचायती राज का चुनाव लड़ने वाले हैं। पंचायती राज का चुनाव, वो क्या होता है? अरे, तुम्हें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में नहीं पता? नहीं, मुझे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में नहीं पता। नन्ही, क्या तुम मुझे पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी दोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि सभी गांव वालों को भी पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी दूंगी और ये भी बताऊंगी कि ये व्यवस्था गांव वाले के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और सभी क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उपनगरपालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अच्छा नन्ही, ये बताओ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हाँ, मैं बताती हूँ इसकी शुरुआत कब और कहाँ हुई। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1952 में योजना आयोग, जिसे आजकल नीति आयोग कहते हैं, में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इस विषय में और अधिक अध्ययन के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया गया। इसका मतलब पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर काम करती है? हाँ, ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद। अच्छा नन्ही, ये बताओ कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? साल 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की,
जिसके बाद आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के कांगसिया गांव से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अंग है। आपको बता दें, सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। हर गांव में एक प्रधान होता है, जिसको सरपंच या मुखिया कहते हैं। नन्ही, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है और इनके उत्तरदायित्व क्या है? हाँ हाँ, बताती हूँ। ग्राम पंचायत के कार्य और उत्तरदायित्व। पंचायत के विकास कार्यक्रमों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों से नगद या स्वैच्छिक श्रम के रूप में अथवा दोनों रूपों से सहायता लेना। जन शिक्षा और परिवार कल्याण के कार्यक्रमों में सहायता करना। गांव में सभी समाज के वर्गों के बीच एकता और सद्भाव बढ़ाना। निगरानी समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में उचित कार्यवाही की चर्चा और अनुशंसा करना। तो समझ गए ना आप लोग कि पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ नन्ही, मैं समझ गया। पंचायती राज व्यवस्था हमारे गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण विषय है। यह हमारे गांव के विकास और उसे सशक्त बनाने का काम करती है। ना केवल जन कल्याण बल्कि बच्चों की शिक्षा के प्रति भी अपना दायित्व निभाती है। ग्राम पंचायतें गांव की स्वच्छता, सड़कों का निर्माण और रोजगार जैसी व्यवस्थाएं करती है। इतना ही नहीं, यह बीमारियों की रोकथाम के लिए भी काम करती है। अच्छा हुआ नन्ही, तुमने मुझे इसकी जानकारी दी। अब मैं घर जाकर अपने सभी परिवार वालों को इसके बारे में बताऊंगा। अब तो मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है नन्ही, मुझे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सब कुछ विस्तार से जानना है। हाँ वंदे, मैं तुम्हें और सभी गांव वालों को पंचायती राज व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक समझाती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। स्थानीय शासन। ग्राम पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर कार्य करने वाली शासन प्रणाली स्थानीय शासन कहलाती है। जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा मिला। तिहत्तरवें तथा 74वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। स्थानीय शासन निकायों के महत्व। लोकतंत्र की मजबूती स्थानीय शासनों की मजबूती के बाद ही हो सकती है। स्थानीय शासन ही स्थानीय लोगों की परेशानियों को हल करने में सक्षम है।
कारगर और जनहितकारी प्रशासन में स्थानीय शासन का योगदान महत्वपूर्ण है। स्थानीय शासन स्थानीय लोगों द्वारा चलाया जाता है, जिससे लोकतंत्र में जन भागीदारी सुनिश्चित होती है। स्थानीय शासन में होने वाले कार्यों से ही गांवों का विकास संभव है। स्थानीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए स्थानीय शासन व्यवस्था आवश्यक है। स्थानीय शासन की जरूरत। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी के लिए, स्थानीय स्तर पर समस्याओं को सुलझाने के लिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए। भारत में ग्राम पंचायत की शुरुआत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद भारत के अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। स्थानीय शासन के बारे में गांधी जी के विचार। आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त करना आवश्यक है। स्थानीय लोगों की भागीदारी विकास की हर पहलकदमी में होनी चाहिए। नवासी में पी के थोंगन समिति की सिफारिश। स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा देना। स्थानीय शासन की संस्थाओं में चुनाव कराने की परंपरा। समुचित कार्यों की सूची तय करना। स्थानीय संस्थाओं को धन प्रदान करना। संविधान में 73वें और 74वें संशोधन। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा है। संविधान का 74वां संशोधन नगर पालिका की बात करता है, जो कि शहरी स्थानीय शासन प्रणाली है। स्थानीय शासन को राज्य की सूची में रखा गया है। संविधान के संशोधन में 29 विषयों को स्थानीय शासन को सौंपा गया है। पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा। ग्राम पंचायत, इसके दायरे में एक अथवा एक से ज्यादा गांव होते हैं। इसका प्रधान सरपंच या मुखिया होता है। प्रखंड विकास परिषद, प्रखंड स्तर पर गठित स्थानीय शासन को प्रखंड विकास परिषद कहते हैं।
जिला विकास परिषद। इसके अंतर्गत जिले की सभी पंचायतें आती हैं। ये त्रिस्तरीय ढांचे के सबसे ऊपरी पायदान की स्थानीय शासन व्यवस्था है। पंचायती राज संस्थाओं के पारंपरिक अधिकार एवं कार्य। ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करना, डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य केंद्र खोलना, नालियों की व्यवस्था एवं रखरखाव, सड़कों की व्यवस्था एवं रखरखाव, स्वच्छता का प्रबंध करना, सड़क के किनारे रोशनी अथवा लाइट की व्यवस्था करना, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार व आर्थिक विकास के कार्य। लघु सिंचाई तथा कृषि योजनाओं का क्रियान्वयन। ग्रामीण विद्युतीकरण। गांवों को शहरों के साथ जोड़ने के लिए सड़क निर्माण। व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध। ग्रामीणों के लिए आवास की व्यवस्था। समाज के कमजोर वर्ग के लिए कार्य। राज्य और केंद्र की योजनाओं के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करना। तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधन की विशेषताएं। देश भर की पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियम। जनता की भागीदारी के लिए मंच प्रदान करना। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान और स्थानीय निकायों में महिलाओं की संख्या में भारी वृद्धि। गांवों में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना। हर 5 वर्ष में पंचायत के लिए चुनाव अनिवार्य बनाना। राज्य चुनाव आयोग का गठन। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का अधिकार। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्तीय आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग हर 5 वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति राज्य सरकारें हर 5 वर्ष पर करती हैं। वित्त आयोग के कार्य। निकायों को सौंपे गए कर, टोल और चुंगी आदि शुल्कों का
निर्धारण करना। पंचायतों और नगर निकायों को मिलने वाले अनुदान का निर्धारण करना। अभी तक आपने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जाना। आगे आप पंचायती राज के इतिहास के बारे में जानेंगे। आपसे आशा की जाती है कि आप इस प्रशिक्षण सत्र में रुचि के साथ भाग लेंगे। क्या हुआ बंदे, तुम इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? कल तुमने मुझे स्थानीय शासन के बारे में बताया था ना नन्ही, मैं सोच रहा हूँ कि स्थानीय शासन की नींव सबसे पहले कब रखी गई होगी। अरे मेरे प्यारे दोस्त बंदे, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बता देती हूँ। हाँ नन्ही, मुझे ये बताओ कि पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई। देखो वंदे, इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय शासन व्यवस्था भारतीय सभ्यता की जड़ों से जुड़ी हुई है। भारतीय संस्कृति व सभ्यता तो विश्व की सबसे प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति व सभ्यता है, तो क्या पंचायती राज व्यवस्था इतनी प्राचीन है? हाँ वंदे, तुम्हें मालूम है वैदिक युग के प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 5 व्यक्तियों का समूह। इसी तरह ऋग्वेद में सभा, समिति और विदत का उल्लेख मिलता है। ये सभी स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। कक्षा में मास्टर जी महाकाव्य युग के बारे में बता रहे थे, क्या इस युग में भी पंचायत व्यवस्था थी? हाँ वंदे, रामायण काल में प्रशासन 2 भागों में बटी हुई थी, जिसमें नगर का मतलब पुर और जनपद का मतलब ग्राम था। इस कालखंड में पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही मंत्री परिषद का सदस्य होता था। इसी तरह महाभारत के शांति पर्व, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में स्थानीय स्वशासन के साक्ष्य मिलते हैं। अच्छा वंदे, तुम मध्यकालीन भारत के बारे में क्या जानते हो? मध्यकालीन भारतीय इतिहास स्वदेशी शासकों के अधीन लगभग 3 शताब्दियों तक चला। 9वीं शताब्दी के मध्य में उभरने वाला सबसे महत्वपूर्ण राजवंश चोल राजवंश था। हाँ तुम ठीक कह रहे हो बंदे, तुम्हें पता है इस काल में भी स्थानीय स्तर पर पंचों की सहायता से विवादों का समाधान किया जाता था। ग्रामों को स्वशासन के संबंध में पर्याप्त शक्तियां प्राप्त थी। तुम तो भारतीय इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानती हो नन्ही, तुम पक्का कक्षा में अव्वल आती होगी। धन्यवाद बंदे। अच्छा नन्ही, जब अंग्रेज भारत आए होंगे तो वो स्थानीय शासन व्यवस्था को देख अचंभित हो गए होंगे ना? हाँ वंदे, लेकिन दुख की बात तो ये है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती गई। रुको, मैं तुम्हें पंचायती राज और इससे जुड़े इतिहास के बारे में विस्तार से समझाती हूँ। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज व्यवस्था भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। ये प्रणाली स्थानीय लोगों का विकास करने तथा उनकी समस्याओं से अवगत होने के लिए बनाई गई है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण इलाकों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की शक्ति को दर्शाता है।
पंचायती राज की अवधारणा। भारत में पंचायत का स्वरूप पहले से रहा है, परंतु मुख्य रूप से पंचायती राज को मान्यता 73वें और 74वें संशोधन के बाद मिली। भारत में संसदीय प्रणाली दो रूपों में बटी हुई थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तिहत्तरवां और चौहत्तरवां संशोधन के बाद ग्राम पंचायत संशोधन समिति का गठन किया गया। कई प्रदेशों में जनसंख्या और क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ग्रामीण इलाकों की समस्याएं प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती थीं, जिसके कारण लोकतंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण इलाकों की समस्याओं से अवगत होने हेतु ग्राम पंचायत व्यवस्थाओं का गठन किया गया। पंचायती राज का इतिहास। भारतीय संस्कृति के मूल में ही पंचायती व्यवस्था रही है, साथ ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। देश में पंचायतें पुराने समय से मौजूद रही हैं, लेकिन उस समय इसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं था और ना ही किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बनी हुई थी। अलग अलग राज्यों में पंचायतें राज्य स्तर पर विभिन्न विभिन्न प्रकार से कार्य करती थीं। महात्मा गांधी की दृष्टि से ग्राम स्वराज की अवधारणा। महात्मा गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा पुरातन काल के ग्राम व्यवस्था पर आधारित थी। पुरातन काल में ग्राम स्वावलंबी होते थे। पंचायत व्यवस्था तथा आपसी विवादों का निपटारा ग्राम पंचायत करती थी। गांधी जी चाहते थे कि गांव की सभी योजनाएं वे लोग खुद ही बनाएं और खुद ही उन्हें क्रियान्वित करें। गांव का अपना पूरा स्वराज्य हो और गांव हर प्रकार से स्वावलंबी बने। स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज की स्थिति। १९५७ में श्री बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में समुदाय परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा पर अध्ययन दल का गठन किया गया। इस दल ने ये निष्कर्ष निकाला कि सफलता पाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा अधिकार या शक्तियां आम लोगों को सौंपी जाएं। में पंचायती राज के लिए मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसरण में
नियोजित कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों को शामिल करने के उद्देश्य से 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना की गई। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली। ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद। पंचायत प्रणाली की सफलता में चुनौतियां। विकास संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव, प्रणाली के बारे में समझ की कमी, राज्यों से अपनाई गई पंचायती राज प्रणाली का एक समान होना। तटस्थता या सरकारी कर्मचारी का उदासीन रवैया, क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन पंचायतों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं जिससे उनके कार्य एवं निर्णय प्रभावित होते हैं। तिहत्तरवीं संविधान संशोधन क्या है? पंचायती राज मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाता है। 24 अप्रैल 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यमवर्ती स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल है। तिहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। राज्य में निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी, मार्गदर्शन, नियंत्रण और मतदाता सूची तैयार करने के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई? आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के कांगसिया गांव से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। पंचायती राज का महत्व। इसके माध्यम से शासन में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है जिससे सुदूर ग्रामीण प्रदेशों के नागरिक भी लोकतंत्र संगठनों में रुचि लाते हैं। इसके माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य स्थानीय समस्याओं को विभाजित कर उनका समाधान अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं को न्यूनतम 1/3 आरक्षण प्रदान करने से महिलाएं भी मुख्यधारा में शामिल होती हैं। पंचायती राज के उद्देश्य। इसका उद्देश्य देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है।
हर अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाकर लागू कर सकेंगी। पंचायती राज का उद्देश्य सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है। पंचायतों के कार्य। पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक आपदा में सहायता कार्य पूरा करना, लोक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना, कृषि और बागवानी के विकास की योजना तैयार करना, बंजर भूमि का विकास, ग्रामीण गृह निर्माण, सड़क नाली पुलिया का निर्माण एवं संरक्षण, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा, वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की व्यवस्था करना, पंचायती राज की शक्तियां और जिम्मेदारियां। इसमें स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा को वो शक्तियां दी गईं जो राज्य स्तर पर विधान मंडल के पास हैं। तिहत्तरवें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय निकाय को संवैधानिक बनाया गया। पंचायतों को हर स्तर के काम करने का दायरा निश्चित होना चाहिए। पंचायतों को जो भी सेवाएं उपलब्ध करानी हैं और जो भी कार्य उनको सौंपे गए हैं उन्हें पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी पंचायत की ही होगी। पंचायतें केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं या कार्यक्रमों को लागू करने की एजेंसियों की भूमिका निभाएंगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण समानुपातिक प्रणाली द्वारा निर्धारित किया जाए। तैतीस प्रतिशत सीटों पर महिला आरक्षण लागू किया जाए, चाहे वो अनुसूचित हो या सामान्य वर्ग। पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर चुनाव कराने की व्यवस्था की जाए। नियोजन एवं पंचायत। ग्राम पंचायतों को हर वित्तीय वर्ष की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। तीनों स्तरों के पंचायतों को अपने अपने क्षेत्रों के विकास की योजना तैयार करनी चाहिए। ऐसी योजनाओं का केंद्र बिंदु उन लोगों का विकास होना चाहिए जो समाज के अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लोग, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग और महिलाएं सम्मिलित हैं। पंचायतों द्वारा निर्मित विकास योजनाओं में इन वर्गों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विकास योजना में पंचायतों को सभी वर्गों के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए।
ग्राम पंचायत की विभिन्न समितियां गांवों के विकास के लिए कार्य करती हैं। पंचायत बिना किसी अड़चन के अपना काम करती रहे, इसके लिए लोगों का समूह बनाया जाता है। विषय से संबंधित विशेषज्ञों की समितियां गठित की जाती हैं। यही समितियां अपने अपने विषय से संबंधित कार्यों को करती हैं। ग्राम पंचायत के काम को सुचारू रूप से चलाने में इन समितियों का अहम योगदान है। सार्वजनिक जवाबदेही और सेवा वितरण गांवों के विकास में सहायक है। पंचायती राज संस्थाएं निरंकुश ना हो जाएं, इसके लिए समय समय पर उनके कामकाज की समीक्षा की जाती है। पंचायती राज संस्थाओं की जवाबदेही और सेवा वितरण गांवों के विकास में सहायक है। जवाबदेही से ही ये तय होता है कि किसी कार्य से जुड़ी संभावित विफलता या प्रक्रियागत भूलों के लिए कौन जिम्मेदार है। शासन का मुख्य उद्देश्य जिले में सुशासन, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना भी है। बेहतर कानून व्यवस्था से ही स्थानीय स्तर पर अच्छे समाज और माहौल का निर्माण होता है। राज्य, शहर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखने से ही अपराधों में कमी आती है। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन से ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक रूप से सुरक्षित हो रहे हैं। गांवों में अब श्रम उत्पादकता, कुशलता, आर्थिक व सामाजिक गतिशीलता तथा लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन हो रहा है। स्थानीय शासन के सहयोग से सरकार लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधार रही है। स्थानीय प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की हर समस्या या परेशानी आम तौर पर मालूम होती है, इसलिए वो स्थानीय मुद्दों से संबंधित उचित फैसले ले पाते हैं। मध्यांतर। इस सत्र में आपने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जाना। अब अगले सत्र में आप ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य, संरचना, गठन और प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। साथ ही अगले सत्र में ग्राम प्रधान के कार्य, उप प्रधान के कार्य और वार्ड सदस्यों की शक्तियों के बारे में भी बताया जाएगा। आशा है आप अगले सत्र को भी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये देश है अपना, गांव है अपना, इन्हें जागरूक हम करेंगे। ये काम है अपना, हमसे है इनकी पहचान, इनसे बनता हमारा काम। आओ मिलकर जिम्मा उठाएं, अपने गांव का नाम बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। वंदे, तुम मेला जाने के लिए तैयार हो गए ना? छुटकी, तिजिया, भूरी, अमन और गांव के सब बच्चे बस आ ही रहे होंगे। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पता है छुटकी और मैंने तो सोच भी रखा है कि हम मिठाई नहीं खिलौने खरीदेंगे। अमन तो मेले जाकर खिलौने देख भी आया, बहुत सारे खिलौने थे, हाथी, घोड़े, टैंक, बंदूक और सिपाही भी। मैं तो खाकी वर्दी और टोपी वाला सिपाही लूंगा,
उसने कंधे पर बंदूक भी रखा हुआ है। एकदम देश की रक्षा में तैनात मालूम पड़ता है। पता है, मैंने पिताजी से इसके लिए पैसे भी मांग लिए। छुटकी के आते ही हम सब चलेंगे। अभी उसके पिताजी सरपंच काका से मिलने गए हैं ना, इसलिए उन्हें आने में जरा देर लगेगी। हाँ, छुटकी के पापा वार्ड सदस्य है ना, इस समय उन्हें और सरपंच काका को कई तरह के काम देखने हैं। मेले का आयोजन आखिरकार उन सबके सहयोग से ही तो हो रहा है। ये तुम कैसी बात कर रही हो नन्ही, मेले के आयोजन में भला सरपंच काका का क्या योगदान है? अरे बुद्धू, सरपंच काका और हमारी ग्राम पंचायत मिलकर ही तो इस मेले का आयोजन कर रही है। तुम्हें क्या लगता है, मेला सिर्फ खिलौनों के लिए है? कला, संस्कृति, पशुपालन, कृषि और पर्यटन की दृष्टि से ये मेला हमारे गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मेला आयोजन करना भी ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक कार्य हैं। क्या क्या कहा तुमने, ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक कार्य? ये भला किस तरह हो सकता है? शासन और प्रशासन तो केंद्र और राज्य सरकार चलाती है, पंचायत भला किस तरह प्रशासनिक कार्य कर सकती है? अरे मैं बताती हूँ, तुम ध्यान से सुनना। और हाँ, आप सब भी ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रही हूँ, इसलिए आराम पूर्वक बैठ जाइए। इस सत्र में आप लोगों को बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा, जैसे पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा, पंचायत का गठन व गठन की प्रक्रिया, पंचायतों की समितियाँ, ग्राम पंचायत के कार्य, पंचायत की शक्तियाँ। हाँ हाँ, नन्ही सब बताएगी, लेकिन उससे पहले एक बार जोर से ताली तो बजा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जम्मू कश्मीर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ग्राम पंचायत प्रशासनिक कार्य क्यों करती है। शासन और प्रशासन को चलाने के लिए जरूरी है कि उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। विभिन्न स्तरों पर सत्ता, अधिकार एवं शक्तियों के बंटवारे से ही समाज में समानता आ पाएगी। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था है, लेकिन ये संस्था तब ही अपने कार्यों को कर पाएगी जब इसके प्रतिनिधियों को सभी प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में पता होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन किसका काम क्या है, किसको क्या शक्तियाँ मिली है, कौन किसके अंतर्गत कार्य करेगा, ये भी तो बताओ। देखो, इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं के ढांचे को समझे। हाँ हाँ, नन्ही पंचायती राज के ढांचे को समझा रही है, मैं तो ध्यान से सुन रहा हूँ, आप भी सुनिए। पंचायती राज संस्थाएं भारत गणराज्य के अंतर्गत आती हैं। स्थानीय शासन को स्थानीय लोग ही चलाएं। इसके लिए पंचायती राज से जुड़ी शक्तियां सीधे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। राज्यों से ये शक्तियां प्रमंडलों और जिलों को मिलती हैं। सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिलों से ये शक्तियां तालुकाओं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत एवं वार्डों को सौंपी गई हैं। ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा। इसी तरह ग्राम स्तर पर भी पंचायती राज का अपना एक ढांचा है। हर ग्राम सभा को वार्डों में बांटा गया है। वार्डों से जुड़े सभी कार्य वार्ड सदस्य करते हैं। एक वार्ड में एक या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। वार्ड सदस्यों, प्रधान और उप प्रधान को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है। पंचायत सुचारू रूप से चलती रहे, इसकी जिम्मेदारी पंचायत सचिव और पंचायत सहायक कर्मी की भी होती है। पंचायती राज के ढांचे को त्रिस्तरीय ढांचा भी कहा जाता है।
पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा ग्राम पंचायत। इसके दायरे में एक अथवा एक से ज्यादा गांव होते हैं। इसका प्रधान सरपंच या मुखिया होता है। प्रखंड विकास परिषद प्रखंड स्तर पर गठित स्थानीय शासन को प्रखंड विकास परिषद कहते हैं। जिला विकास परिषद इसके अंतर्गत जिले की सभी पंचायतें आती हैं। ये त्रिस्तरीय ढांचे की सबसे ऊपरी पायदान की स्थानीय शासन व्यवस्था है। पंचायतों का गठन एवं कार्यकाल। पंचायतों का गठन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय स्तर पर लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। इसे बीच में भंग नहीं किया जा सकता। अगर किसी कारण से ये भंग होते भी हैं, तो 6 महीने के भीतर इनका चुनाव करवाया जाता है और इनका कार्यकाल बाकी अवधि के लिए होता है। हर ग्राम सभा के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। फिर ग्राम सभा सदस्य ही अपने सदस्यों में से प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों का चुनाव करते हैं। वार्ड सदस्यों की संख्या ग्राम सभा क्षेत्र की जनसंख्या पर आधारित होती है। हर 5 वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जाती है। वित्त आयोग की नियुक्ति राज्य सरकारें हर 5 वर्ष पर करती हैं। 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार पंचायतों के गठन एवं कार्यकाल विशेषताएं। देश भर की पंचायती राज संस्थाओं की बनावट। जनता की भागीदारी के लिए मंच प्रदान कराना। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान और स्थानीय निकायों में महिलाओं की संख्या में भारी वृद्धि। गांवों में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना। हर 5 वर्ष में पंचायत के लिए चुनाव अनिवार्य बनाना। राज्य चुनाव आयोग का गठन। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का अधिकार। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्तीय आयोग का गठन। वाह, क्या बात है नन्ही, ये तो शासन की बहुत मजबूत व्यवस्था है। गांव की समस्या गांव के लोग ही जानते हैं। अगर हमारे प्रतिनिधि ईमानदारी के साथ काम करे तो गांवों का कितना विकास हो जाएगा। हाँ वंदे, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। हमारे प्रतिनिधि अगर अपना काम सही से करें तो हम भी तो कह पाएंगे कि मारा गांव शहरों से कम है के। वो सब तो ठीक है, लेकिन नन्ही तुम कहती हो स्थानीय शासन में सभी की भूमिका है। लौकी चाची तो अकेले ही रहती है, उनका कोई परिवार भी नहीं है। सुखराम चाचा भी आर्थिक रूप से बहुत गरीब है और समाज के वंचित वर्ग से आते हैं। क्या ये लोग स्थानीय शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है बंदे। देखो, हर समाज में कुछ वर्ग आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित व पिछड़े हुए होते हैं। समानता और स्वतंत्रता का अधिकार वास्तव में सार्थक हो, इसके लिए जरूरी है कि समाज के सभी वर्गों को बराबरी का मौका मिले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था में कुछ वर्गों को आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए ग्राम सभा में उनकी आबादी के अनुपात में स्थानों का आरक्षण। कुल सीटों में से आधी सीटों पर महिलाओं को आरक्षण। आरक्षित सीटों में से भी आधी सीटों पर महिलाओं को आरक्षण। अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को विकास खंड में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। वाह, आरक्षण का लाभ उठाकर तो लौकी चाची, सुखराम चाचा और उन जैसे कई वंचित पिछड़े लोग स्थानीय शासन का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इससे देश सफलता के शिखर की तरफ बढ़ेगा। हाँ वंदे, तभी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं,
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। अच्छा वंदे, एक बात तो बताओ, यदि ग्राम स्तर पर प्रशासनिक कार्य होंगे तो उससे क्या क्या लाभ होगा? हाँ हाँ बताता हूँ, ध्यान से सुनो। लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र में स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी होगी, स्थानीय स्तर पर समस्याओं को सुलझाया जा सकेगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, लोगों को सही अर्थों में समानता एवं स्वतंत्रता मिलेगी, गांव-गांव में शिक्षा मिलेगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, स्थानीय लोगों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास होगा। इसके अलावा भी और कई तरह के लाभ मिलेंगे, जैसे पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था होगी, दूध दही और डेयरी केंद्रों की व्यवस्था होगी, सिंचाई के साधन होंगे, गांवों में स्वच्छता होगी, सार्वजनिक स्थानों पर लाइट्स का इंतजाम होगा, शमशान घाट और कब्रिस्तान की व्यवस्था होगी, कृषि कार्यक्रम एवं कृषि प्रयोग होंगे, खेल के मैदानों की व्यवस्था होगी, गांवों की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ होंगे, मछली पालन की व्यवस्था होगी, और क्या क्या बताऊं नन्ही, ग्राम पंचायतें अगर अपना काम सही से करेंगी तो गांव की तस्वीर ही बदल जाएगी। हाँ वंदे, तुम्हें मालूम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट गांव बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि स्थानीय शासन से ही गांवों की रूपरेखा बदल सकती है। तुम ठीक कह रही हो नन्ही, स्थानीय शासन की सहायता से गांव में दिखेगी तरक्की की निशानी, यहां की हर बात होगी सुहानी, रोजगार के नए अवसर गांव में आएंगे, गीत खुशियों के सब मिलकर गाएंगे। अरे वाह वंदे, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया। अरे आप लोगों को भी बढ़िया लगा ना? हाँ तो ताली बजा दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। आप लोग तो बहुत अच्छे से सब सुन रहे हैं, मुझे आशा है आपको सब कुछ समझ भी आ रहा होगा। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न है तो कृपया उसे लिखकर रख लें, प्रशिक्षण सत्र के अंत में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। हाँ, आप इतनी दूर से यहाँ आए हैं तो हम चाहते हैं कि आप सब कुछ अच्छे से सीखकर यहाँ से जाएं। और हाँ, हमारे बारे में गांव में सबको बताएं। चलो वंदे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी हमारे जम्मू कश्मीर के ही एक गांव की है। इस कहानी से स्थानीय शासन की ताकत और संकल्प शक्ति के बारे में पता लगता है। जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला पंचायत प्रतिनिधियों की संकल्प शक्ति को दर्शाता है। इस जिले में बसा उक्खू गांव पेंसिल बनाकर आज पूरे विश्व को चकित कर रहा है। एक समय था जब भारत में अधिकतर पेंसिल्स ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और चीन जैसे देशों से आते थे, लेकिन आज भारत पेंसिल बनाने में आत्मनिर्भर हो रहा है। पेंसिल फ्रेम बनाने के लिए उक्खू गांव में बड़ी छोटी 10 फैक्ट्रियां हैं। पुलवामा के पास लस्सीपुरा औद्योगिक क्षेत्र में भी इसकी कई यूनिट्स लगी हैं। इन्हें लगाने वाले लोग भी उक्खू के ही रहने वाले स्थानीय लोग हैं। स्थानीय शासन के सहयोग से आज यहां 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। बता दें कि देश में पेंसिल के लिए बड़ी तादाद में लकड़ी की सप्लाई उक्खू गांव से होती है। सरल शब्दों में कहें तो उक्खू ने चीन को मात दिया है। यहाँ की ग्राम पंचायत अधिक से अधिक पेड़ लगाने का कार्य कर रही है,
ताकि गांव वालों का काम चलता रहे और उत्पादन कभी न बंद हो। उक्खू गांव की तरह ही अन्य गांवों का विकास भी हमारे सामने बैठे प्रतिनिधि आराम से कर सकते हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन सिर्फ विकास ही नहीं, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास? ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है वंदे? भविष्य की पीढ़ी से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। विकास की ये परिभाषा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य तथा जीवन की सामान्य गुणवत्ता को सुधारने में सक्षम है। साथ ही इससे प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय साधनों का दोहन भी नहीं होता है। खनिजों, औषधियों, वनस्पतियों और आयुर्वेदिक पर्यावरणीय भंडारणों से भरे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र प्राकृतिक रूप से अति संवेदनशील हैं। परिस्थिति के अनुसार संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में इंसानों की गतिविधियों के बढ़ने एवं लापरवाही के साथ विकास कार्य करने से प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। पहाड़ों में दरारें पड़ती हैं और भार का संतुलन बिगड़ता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, सुरंगों और सड़कों के निर्माण के लिए तेज विस्फोटक, ड्रिलिंग आदि से पैदा होने वाले कंपन पहाड़ों की ऊपरी सतह और पत्थरों को हिला देती है, जिससे भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। एक प्रतिनिधि के रूप में हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी विकास कार्य हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं, उसमें सतत पोषणीय विकास मॉडल को अपनाया गया हो। सतत पोषणीय विकास के उद्देश्य: ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, पर्यावरण की रक्षा करना, भविष्य की पीढ़ी से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना, आर्थिक और सामाजिक वृद्धि करना। वाह, इस तरह तो हमारे गांव का विकास भी होगा और हमारे गांव भी हरे भरे रहेंगे। हाँ नन्ही, बिल्कुल सही। खैर, अब तुम ये बताओ, मेले के आयोजन के अलावा और किस तरह के प्रशासनिक कार्य हमारी पंचायत करती है? हाँ बाबा, बताती हूँ, बिना जाने तो तुम रहोगे नहीं, मालूम ही है मुझे, इसलिए अब ध्यान से सुनो। पंचायत के कार्य: डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य केंद्र खोलना, नालियों की व्यवस्था एवं रखरखाव, सड़कों की व्यवस्था एवं रखरखाव, स्वच्छता का प्रबंध करना, सड़क के किनारे प्रकाश की व्यवस्था करना, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, लघु सिंचाई तथा कृषि योजनाओं का क्रियान्वयन, ग्रामीण विद्युतीकरण, गांवों को शहरों के साथ जोड़ने के लिए सड़क निर्माण, व्यवसायिक शिक्षा का प्रबंध, ग्रामीणों के लिए आवास की व्यवस्था, समाज के कमजोर वर्ग के लिए कार्य। इतने सारे कार्य हमारे ग्राम प्रधान की देखरेख में होते हैं, इस तरह तो उन्हें अपने लिए बिल्कुल समय ही नहीं मिलेगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी अगले महीने ग्राम प्रधान की बिटिया का ऑपरेशन है। भूरी काकी माँ को बता रही थी कि हो सकता है 15-18 दिन उन्हें शहर में ही रहना पड़े। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी है अपनी माँ से। हाँ, तो जब ग्राम प्रधान गांव में रहेंगे ही नहीं, तो इन सभी कार्य को करने के लिए आदेश कौन देगा? क्या गांव में किसी तरह के प्रशासनिक कार्य नहीं होंगे नन्नी? अरे मेरे प्यारे दोस्त वंदे, गाँव में तो वैसे भी हम लोग मिलजुल कर सब काम संभाल लेते हैं। याद है पिछले महीने गुड़िया दीदी की शादी में कैसे पूरा गांव एकजुट हो गया था, किसी चीज का कोई अभाव ही नहीं हुआ था, सारी व्यवस्था हमने मिलकर ही संभाल ली थी। हाँ हाँ, मुझे याद है, लेकिन प्रशासनिक कार्य की शक्तियाँ सभी के पास थोड़ी होती है।
अरे बाबा, पूरी बात सुन तो लो वंदे। स्थानीय शासन व्यवस्था में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अगर किसी कारण से ग्राम प्रधान 15 या उससे अधिक दिन के लिए ग्राम से बाहर रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में कार्यकारी और वैधानिक शक्तियां उप प्रधान के पास चली जाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे तो उप प्रधान चाचा भी बहुत अच्छे हैं। याद है गांव में औषधि केंद्र उनके सुझाव पर ही खुला था। अरे वंदे, छुटकी और तुम्हारे सारे दोस्त पुलिया पर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जाओ जल्दी, नहीं तो सारे खिलौने बिक जाएंगे। अरे सब लोग पुलिया पर चले गए। चलो ननी जल्दी चलो, मेले से आकर आगे की बात करते हैं। मध्यांतर। इस भाग में आपने पंचायती राज की संरचना, गठन और उसकी प्रक्रिया समेत प्रशासनिक कार्यों के बारे में जाना। अगले सत्र में आप प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के कार्यों के बारे में जानेंगे। आपसे आशा की जाती है कि आप प्रशिक्षण सत्र में रुचि के साथ भाग लें। कैसी हो नन्ही, कल मेले में बहुत मजा आया ना? तुमने क्या क्या खरीदा वहाँ से? हाँ मजा तो खूब आया। तुमने देखा ना सरपंच काका ने मेले का प्रबंध किस प्रकार से किया था? हाँ ये तो है नन्ही, मेले का आयोजन तो बहुत अच्छा था। और मैंने तो सरपंच काका को छुटकी के पिताजी से बात करते हुए भी सुना। वो कह रहे थे गांव में सड़कों के निर्माण पर ध्यान देना है, अब हमारे गांव में भी पक्की सड़कें होंगी। हाँ वंदे, गांव में सड़कों का निर्माण करना भी ग्राम प्रधान का कार्य होता है और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कई पंचायतों को पुरस्कार भी दिए हैं। नमस्कार, आप सभी साथियों को पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिन जिन पंचों को और पंचायतों को सम्मानित किया गया है उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और देश भर की पंचायतों से मेरा आग्रह है कि आप वेबसाइट पर जाकर के जिनका सम्मान हुआ है, जिनको अवार्ड मिला है, उसकी जानकारी जरूर प्राप्त करें। किस बात को लेकर के उनको ये सिद्धि मिली है, उनका गौरवगान करें। अरे वाह नन्ही, फिर क्या हमारे सरपंच काका को भी पुरस्कार मिलेगा? हाँ, यदि हमारे ग्राम प्रधान अपना कार्य ठीक प्रकार से करे तो। इसके साथ ही गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की है। इसमें देश का कोई भी नागरिक अपना खाता बना सकता है और गांव के विकास कार्य संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। और हम भी पंचायत सचिव और पंच के बारे में सभी विवरण इस पोर्टल पर देख सकते हैं। हाँ मुझे मालूम है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव को डिजिटल बनाने के लिए स्वामित्व योजना का भी शुरुआत किया है। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, शहरों और गांवों में दूरी को कम करने के लिए आज सरकार द्वारा दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। हाँ तुमने सही कहा वंदे, पर हमें खुद भी ग्राम पंचायत को मजबूत करना होगा और उनके कार्यों में सहयोग देना होगा। हाँ मैं तो अपने गांव के विकास के लिए सभी प्रकार के कार्य करूंगा। सिर्फ वंदे ही नहीं, आप सभी गांव वालों को भी अपने गांव के विकास के लिए योगदान देना होगा। और मुझे पता है आप लोग अपना सहयोग जरूर देंगे। अच्छा नन्ही, ये तो बताओ कि ग्राम प्रधान के और कौन कौन से कार्य होते हैं, हम जानेंगे
तभी तो सहयोग करेंगे ना। देखो, सरपंच गांव का मुखिया होता है, उसे गांव के मुखिया के रूप में गांव की भलाई के लिए फैसले लेने होते हैं। मुख्य रूप से सरपंच निम्नलिखित कार्य करता है, जैसे गांव में सड़कों का रखरखाव, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, सिंचाई के साधन की व्यवस्था करना, दाह संस्कार व कब्रिस्तान का रखरखाव करना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, खेल का मैदान व खेल को बढ़ावा देना, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था, आंगनवाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना, सरकार की योजनाओं से अवगत कराने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना। पंचायती राज अधिनियम 1992 के बाद सरपंच पद का महत्व और भी बढ़ गया है। केंद्र और राज्य सरकार ग्राम विकास की तमाम योजनाएं पंचायतों के जरिए संचालित करती हैं। आपको भी पता होगा कि वर्तमान समय में पंचायतों के विकास के लिए हर साल लाखों रुपए ग्राम्य निधि में आते हैं। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है। अरे वाह नन्ही, यदि ग्राम प्रधान के कार्य सरपंच काका ईमानदारी से करेंगे तो हमारा गांव बहुत जल्दी विकास कर लेगा। हाँ वंदे, अगर हमारे सरपंच काका ऐसे ही कार्य करते रहेंगे तो हमारे गांव के साथ हमारा भी विकास होगा। तुम ठीक कहती हो नन्ही। एक दिन छुटकी बता रही थी सरपंच काका को कई शक्तियाँ भी प्राप्त है। क्या तुम्हें मालूम है वो कौन सी शक्तियाँ हैं? हाँ मालूम है। मुझे भी बताओ ना, सरपंच काका के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? बताती हूँ, पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ग्राम प्रधान की भूमिका इतनी अहम क्यों है और इनका चुनाव किस प्रकार से होता है। भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। ग्राम प्रधान का चुनाव ग्राम सभा सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा प्रधान का चुनाव किया जाता है। यदि पंचायत के सामान्य चुनाव में प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता है तथा पंचायत के लिए 2/3 से कम सदस्य ही चुने जाते हैं, उस दिशा में सरकार एक प्रशासनिक समिति बनाएगी जिसकी सदस्यता संख्या सरकार तय करेगी। इसके साथ ही सरकार एक प्रशासक भी नियुक्त कर सकती है। इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग गांव की जनसंख्या के अनुपात और रोस्टर व्यवस्था के आधार पर SC/ST/OBC के लिए सीट निर्धारित करती है। अधिकांश राज्यों में महिलाओं के लिए पंचायती राज अधिनियम में सीटें आरक्षित होती हैं। ग्राम प्रधान की गांव के प्रति भागीदारी मुख्य रूप से गांव का विकास करना, सड़कों का निर्माण तथा नाली की व्यवस्था, पशुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना, किसानों की फसलों के सिंचाई के लिए सरकारी ट्यूबवेल की व्यवस्था करना, गांव पंचायत के सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर मस्जिद आदि स्थानों पर लाइटों की व्यवस्था करना। इतना ही नहीं, बल्कि ग्राम प्रधान को गांव के प्रति कार्यभारी भी होना पड़ता है। इसके अलावा भी ग्राम प्रधान के अन्य मुख्य कार्य हैं, जैसे ग्राम सभा की बैठक बुलाना और इन बैठकों की अध्यक्षता करना। ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित करने का उत्तरदायित्व होगा और इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। ग्राम पंचायत के रिकॉर्डों के संधारण रखरखाव करवाने का उत्तरदायित्व होगा। ग्राम प्रधान
धर्मासन का गठन करेगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्राम को उपलब्ध करवाएगा। पंचायत के आय व्यय का मासिक सत्यापन, ग्राम सचिव सहायक की दैनिक हाजिरी को सत्यापित करना, नियमों के अधीन रहते हुए ग्राम सभा के सदस्यों को पंचायत रिकॉर्ड की प्रतियां उपलब्ध करवाना तथा रिकॉर्ड का निरीक्षण करवाना, केंद्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करना, ग्राम पंचायत के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। एक प्रक्रिया होती है उसके लिए। मैं सोच रहा हूँ नन्ही, क्या मेरे पिताजी भी चुनाव लड़ सकते हैं? क्या मैं लड़ सकता हूँ चुनाव? मुझे भी शक्तियाँ प्राप्त करनी है, फिर मैं भी गांव के विकास के लिए कार्य करूँगा। नहीं वंदे, तुम चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ने की एक प्रक्रिया होती है उसके लिए निम्न योग्यता का होना अनिवार्य है। सरपंच पद के उम्मीदवार का नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। उसकी उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। वो राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। सरकारी कर्मचारी सरपंच वार्ड पंच का चुनाव नहीं लड़ सकता। सरपंच बनने के लिए कई राज्यों में 8वीं पास या साक्षर होना जरूरी है, लेकिन ये बाध्यता सभी राज्यों में नहीं है। नन्ही, अब मुझे सरपंच काका के शक्तियों से अवगत कराओ ना, मैं उत्सुक हो रहा हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। हाँ हाँ, बताती हूँ, ध्यान से सुनो और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। ग्राम प्रधान की शक्तियाँ। सरपंच को ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और अध्यक्षता करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ सरपंच को प्राप्त होती हैं। ग्राम पंचायत के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों पर भी प्रशासकीय देखरेख और नियंत्रण रखने का अधिकार सरपंच को है। तुम्हें पता है वंदे, इतना ही नहीं, ऐसे कई जिम्मेदारियां भी ग्राम प्रधान को दी जाती है जिसके पूरे ना होने पर सरपंच काका की शिकायत भी हो सकती है। हमारे सरपंच काका की शिकायत होगी? नहीं नहीं, हम अपने सरपंच काका की शिकायत नहीं करेंगे। अरे बुद्धू, पहले पूरी बात तो सुनो। पंचायत राज अधिनियम 1992 के अनुसार सरपंच ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए भी बाध्य है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो ग्राम सभा द्वारा इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा सकती है। बैठकें आयोजित करना सरपंच का अनिवार्य दायित्व है। सरपंच को चाहिए कि गांव में सर्वांगीण विकास के लिए कई कदम उठाएं। अच्छा, पर हमारे सरपंच काका तो सभी जिम्मेदारियां पूर्ण रूप से निभाते हैं, जैसे ग्राम सरपंच की जिम्मेदारियां। गांव का मुखिया होने के नाते सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की भी अध्यक्षता करता है। प्रतिवर्ष ग्राम सभा की कम से कम 4 बैठकें आयोजित करना सरपंच का अनिवार्य दायित्व है। सरपंच को चाहिए कि गांव में सर्वांगीण विकास के लिए कई कदम उठाएं। सरपंच को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राम सभा की बैठकों में दिए गए सुझावों पर प्राथमिकता के साथ चर्चा की जाए। ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरपंच को उपाय करने चाहिए। सरपंच को सभी वर्गों के लोगों, खासकर SC ST, पिछड़े वर्गों और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा सभी को अपनी शिकायतों को दर्ज करने और ग्राम सभा में सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तुम्हें याद है वंदे,
अभी कुछ दिनों पहले ही सरपंच काका ने सरकार की सभी योजनाओं से अवगत कराने के लिए एक अहम बैठक बुलवाई थी। बैठक बुलवाना भी उनका उत्तरदायित्व है। हाँ नन्ही, मुझे याद है, अब मैं समझ गया। गांव के प्रति कार्यरत होना ही ग्राम प्रधान का मुख्य कार्य है। हाँ वंदे, न केवल गांव के प्रति कार्यरत होना बल्कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के लोगों तक पहुंचाना भी ग्राम प्रधान का कार्य होता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि सरपंच काका अकेले ही इतना कार्यभार कैसे संभाल लेते होंगे। नन्ही, उन्हें भी तो किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती होगी ना? हाँ बिल्कुल ठीक, सरपंच काका को भी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कई सदस्यों को मिलाकर समिति का गठन किया जाता है। समिति का गठन? इसमें तो कई सदस्य शामिल होते होंगे ना नन्ही? अच्छा नन्ही, ये तो बताओ कि ग्राम पंचायत में सदस्य कैसे निर्वाचित होते हैं? पंचायत सदस्य का निर्वाचन उनके क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार होता है। जैसे हमारे देश में लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिनके तहत करीब 6,00,000 गांव आते हैं। इन ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव कराकर स्थानीय शासन स्थापित करने की व्यवस्था है। ग्राम पंचायत जनसंख्या के आधार पर बनाई जाती है। इन ग्राम पंचायत के लिए प्रत्येक राज्य में अलग अलग जनसंख्या तय की गई है। 500 तक की जनसंख्या पर 5 सदस्य, 501 से 1,000 तक की जनसंख्या पर 7 सदस्य, 1,001 से 2,000 तक की जनसंख्या पर 9 सदस्य, 2,001 से 3,000 तक की जनसंख्या पर 11 सदस्य, 3,001 से 5,000 तक की जनसंख्या पर 13 सदस्य, 5,000 से अधिक की जनसंख्या पर 15 सदस्य। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की पहली इकाई ग्राम पंचायत में एक प्रधान व कुछ सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या पंचायत क्षेत्र की आबादी के अनुसार होती है। पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच के बाद उप सरपंच का पद काफी महत्वपूर्ण होता है, जिसका पद सरपंच काका के पद के बाद आता है, लेकिन ये पद सभी राज्यों में विद्यमान नहीं है। उप सरपंच के पद का प्रावधान कई राज्यों में नहीं है। कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां उप सरपंच होते हैं। इसका मतलब है ग्राम पंचायत में उप सरपंच सरपंच के सहायक के रूप में कार्य करता है। सरपंच की अनुपस्थिति या किसी आकस्मिक कारणों से सरपंच का पद खाली रहने पर उपसरपंच ही सरपंच के कार्यों का निर्वहन करता है। पंचायत में सरपंच की अनुपस्थिति या पद खाली होने पर उपसरपंच की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। हाँ वंदे, बिल्कुल ठीक कहा, तुम समझदार हो गए हो। क्या आप लोगों के पास थी इसकी जानकारी? बताओ बताओ। चुप, सभी गांव वाले तुम्हारी तरह बुद्धू थोड़ी हैं। पता है, मुझे रूबीना बता रही थी कि उसके पिताजी उप प्रधान है और उसके पिताजी को भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त है। हाँ वंदे, रूबीना ने तुम्हें ठीक बताया है, पर क्या तुम्हें ज्ञात है कि उप सरपंच का चयन किस प्रकार होता है? हाँ, जैसे सरपंच का चयन होता है वैसे ही उप सरपंच का भी चयन होता है। नहीं, गलत कह रहे हो, उप सरपंच का चुनाव सामान्य पंचायत चुनाव से अलग होता है। इस चुनाव में केवल चुने हुए वार्ड पंच ही हिस्सा लेते हैं। सरपंच का निर्वाचन होते ही उप सरपंच चुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये चुनाव भी राज्य चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। इसके लिए पीठासीन अधिकारी सरपंच के निर्वाचन के 15 दिनों के बाद उप सरपंच का चुनाव करा सकता है। उप सरपंच चुनने के लिए भी आरक्षण का नियम रहता है। उप सरपंच के लिए आरक्षण की व्यवस्था सरपंच के आरक्षण व्यवस्था पर निर्भर करती है। यदि ग्राम पंचायत में अनारक्षित वर्ग का सरपंच है
तो पंचायत में उपसरपंच का पद आरक्षित वर्ग से होगा। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग में से कोई भी हो सकता है। उपसरपंच के निर्वाचन में वार्ड सदस्य अर्थात वार्ड के पंच ही हिस्सा लेते हैं। ये चुनाव प्रक्रिया एक दिन में संपन्न हो जाती है। जिस वार्ड पंच को सबसे ज्यादा वोट मिलता है उसे उपसरपंच घोषित कर दिया जाता है। अब समझे कुछ बुद्धू? हाँ समझ गया नन्नी। इसका मतलब उपसरपंच पद के लिए भी वही योग्यताएं होती होंगी जो सरपंच पद के लिए होती है, और इनके चयन की तरह ही इनके कार्य और शक्तियाँ भी भिन्न होते हैं। अरे वाह वंदे, तुम तो सच में सब समझ गए। चलो अपने और सभी गांव वाले के लिए ताली बजाओ और आप सब भी अपने लिए ताली बजाएं। हाँ आप लोगों का योगदान भी तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हाँ और मैं ये भी बता दूं कि सरपंचों की तरह उप सरपंचों को भी पंचायती राज अधिनियम में अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। यदि किसी कारणवश सरपंच को हटाया जाता है या बर्खास्त किया जाता है या किसी तरह की अनहोनी होती है तो सरपंच की जगह उप सरपंच ही कार्यवाहक सरपंच का दायित्व निभाते हैं, जिसके लिए उन्हें शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। उप प्रधान के कार्य और शक्तियाँ। अगर सरपंच गांव से बाहर कहीं गया हो या किसी कारणवश पंचायत नहीं आ पाते हैं तो उप सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम सभा और बैठक भी कराई जा सकती है। सरपंचों के समान ही उन्हें ये अधिकार दिया जाता है। ग्राम सभा और बैठक में उपसरपंच ही फैसला ले सकता है और प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन इस दौरान वित्तीय जिम्मेदारी उपसरपंच को नहीं दी जाती है। सरपंच के हस्ताक्षर से ही वित्तीय लेन देन हो सकता है। उपसरपंच को विभिन्न समितियों में कई पद दिए जाते हैं, जिससे ग्राम पंचायतों में हो रहे कार्यों की सही तरह से निगरानी की जा सके। सामान्यता सभी राज्यों के ग्राम पंचायतों में उपसरपंच शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति का सभापति होता है। प्रधान की अनुपस्थिति, निलंबन या हट जाने पर उप प्रधान उन सभी कार्यों को करेगा जो अधिनियम तथा नियमों से प्रधान को सौंपे गए हैं। उप प्रधान अधिनियम नियमों के द्वारा अंतर्गत गठित विभिन्न समितियों की अध्यक्षता करेगा। ठीक इसी प्रकार सभी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए वार्ड मेंबर को नियुक्त किया जाता है। वार्ड मेंबर? वो क्यों भला? देखो वंदे, ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। ग्राम पंचायत को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से छोटे खंडों में बांटा जाता है, जिसे वार्ड कहते हैं। अरे नन्ही, जब हमारे पास ग्राम प्रधान और उप प्रधान है तो भला हमें वार्ड सभा की आवश्यकता क्यों है? हम सीधा सरपंच काका से ही बात कर लेंगे ना? नहीं वंदे, हमें वार्ड सभा की आवश्यकता है। वार्ड सभा ग्राम पंचायत का एक महत्वपूर्ण अंग है। वार्ड सभा का गठन ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में गठित किया जाता है। वार्ड पंच होने की वजह से जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान होता है। अरे पर जनता अपनी समस्याओं का समाधान ग्राम प्रधान से भी तो करा सकती है। मुनिया काकी भी तो सरपंच काका के पास ही जाती है। देखो वंदे, गांव में कई क्षेत्रों में लोग सरपंच तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे उनकी समस्याएं ऊपर नहीं उठ पाती हैं। ग्राम विकास में वार्ड पंच का योगदान अहम है, क्योंकि वार्ड के निवासी सर्वप्रथम किसी समस्या या ग्राम पंचायत की जानकारी के लिए वार्ड पंच से ही संपर्क करता है। हम जानते हैं कि वार्ड सभा पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है, पर पंचायत अनेक वार्डों में विभाजित होती है।
प्रत्येक वार्ड का एक निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र होता है, जिससे कि सभी क्षेत्रों के सभी लोगों की समस्याओं को सुना जा सके और उसका निवारण तुरंत किया जा सके। अच्छा, तो क्या इसका चुनाव ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता है? नहीं, वार्ड सभा भी ग्राम सभा की तरह एक स्थायी निकाय है। 200 से 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड गठित की जाती है। इन वार्ड सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उसी वार्ड के मतदाता द्वारा किया जाता है। इसका मतलब वार्ड पंच की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और ग्राम प्रधान तथा उप प्रधान की तरह इनकी भी शक्तियाँ और उत्तरदायित्व होते होंगे। हाँ वंदे, ग्राम प्रधान की भांति पंचायती राज अधिनियम के अनुसार वार्ड पंच को भी शक्तियाँ और उत्तरदायित्व प्राप्त हैं। मैं बताती हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। वार्ड सदस्य के कार्य और शक्तियाँ। वार्ड के अंतर्गत विकास कार्यों का प्रस्ताव तैयार कर ग्राम सभा के समक्ष रखना। वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत की बैठक में सक्रिय योगदान देगा और अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याओं को बैठक में रखेगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर वार्ड में योजना के लाभार्थियों की पहचान करना। अपने वार्ड के लोगों को विकास की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना। पेंशन और अनुदान पाने जैसी विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ पाने वाले व्यक्तियों की पात्रता का सत्यापन करना। वार्ड सभा के सदस्यों को ग्राम पंचायत को करों को जमा करने के लिए प्रेरित करना। ग्राम पंचायत की योजनाएं जैसे स्ट्रीट लाइटों, पानी के नल, सार्वजनिक शौचालय और अन्य जन उपयोगी योजनाओं के लिए स्थान सुझाना। वार्ड सभा के क्षेत्र में सफाई की व्यवस्थाओं में ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों की मदद करना और कचरा हटाने में स्वैच्छिक सहयोग देना। वार्ड में साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। वार्ड सभा के क्षेत्र में लोगों के विभिन्न समूहों के बीच एकता और भाईचारा बढ़ाना। तो समझ गए ना बंदे, ग्राम प्रधान के, उप प्रधान के तथा वार्ड सभा की आवश्यकता क्यों है? हाँ, मैं सब समझ गया नन्ही। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधान की, उप प्रधान की और वार्ड की शक्तियों से भी भली भांति परिचित हो गया हूँ और मैं ही नहीं, गांव वाले भी सब समझ गए हैं। हाँ, हमारे गांव वाले बहुत होशियार हैं, उन्होंने भी सब जान लिया है। और हाँ, यदि आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। तभी तो कहते हैं, जब मन में लिया हो ठान तब मंजिल होती है आसान। मिल जाए अगर कोई साथी, हिम्मत की डगर है काफी। है गांव में अपना राज, अब पूरे होंगे सारे काज। ग्राम पंचायत का हम लेंगे ज्ञान, अपने गांव का हम बढ़ाएंगे अभिमान।